हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद तंजीम रिलायंस जियो की तरफ से बोल रहा हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप हमारे अवेलेबल कस्टमर हैं और अभी आपने जियो का प्लान नंबर 1 लिया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आप अगर जियो की न्यू ऑफ़र प्लान नंबर 2 लेते हैं तो आपको 20% तक की सेविंग होगी अगले रिचार्ज पर। और किसी जानकारी के लिए हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। मैं किसी जियो का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं वैकेंसी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो जॉब बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो टोटली जियो की तरफ से निकला हुआ है और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठे ही आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पहले जान ही लिया होगा, एक हिंट मैंने दे ही दिया है कि यहाँ पर काम कैसा रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का कस्टमर वाला रिलेटेड काम रहेगा, जिससे आप लोगों को कस्टमर से बात करनी है, रिचार्ज के बारे में, प्लान्स के बारे में बताना रहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में एक झलक बता ही दिया था शुरू में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अपने नेटिव लैंग्वेज में बोल सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इंग्लिश में बोलो, अपने किसी बेसिक लैंग्वेज में बोलो, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। और ये दोस्तों बेसिकली जो है आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक फ्रीलांसिंग का काम है। आप ऐसा नहीं है किसी के अंडर प्रेशर काम करोगे, आप अपने किसी स्पेसिफिक टाइम करोगे। आप फ्रीलांसिंग का मतलब है आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर करो, घर बैठे करो, और सैलरी भी इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो इसमें दोस्तों ये है कि आप अगर स्टूडेंट्स हो या फिर अपने कहीं काम करते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, या फिर इसको फुल टाइम भी बनाना चाहते हो, इस उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है, अगर एलिजिबिलिटी आप लोग की 10+2 है या फिर आप लोग 10th पास हो, तब भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इतना कुछ मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लाया हूँ इस वीडियो में। बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोग को सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ, बस 5 मिनट अपना दे दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद तंजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जानिए सब कुछ A to Z। दोस्तों आप अगर पहली बार आ रहे हो उस चैनल पर और आप चाहते हो कि आप लोग को 100% जेन्युइन ऑनलाइन अर्निंग्स मिले और जॉब अपडेट्स भी मिले, तो दोस्तों यहाँ पे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मैं आप लोगों को बता रहा था जियो की तरफ से जो ये है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को फ्रीलांसर की तरह काम करना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों अगर आप लोग 10वीं पास हो या फिर 10+2 हो या फिर आप लोग कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। कोई स्किल है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। मजे की बात दोस्तों ये है कि आप लोग एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, काम बताया जाता है किस तरीके से। तो आप लोगों को बेफिक्र हो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं सोचना है कि उसके बाद मुझे काम नहीं आता, मैं कैसे करूँगा। तो आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है जियो कैरियर्स पर और इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर नीचे दे दूँगा। आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये फ्रीलांसर का यहाँ पर पेज ओपन हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो कितने सारे यहाँ पर जॉब्स हैं। अगर मैं ये पेजेस को क्लिक करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर मैंने नोएडा का अभी डाला हुआ है। अगर मैं इस फिल्टर को हटा देता हूं और इसको मैं सर्च करता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास 7705 फ्रीलांसर की यहां पे जॉब्स निकली है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो आप यहां पे पूरा डिटेल यहां पे देख लोगे कि कौन कौन सी जॉब है। ये देख सकते हो आप, ये जियो कस्टमर एसोसिएट है, बहुत बहुत चीज़ें हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां आप कहोगे कि यहां पे देखिए लोकेशन वाइज है, तो आप अपने लोकेशन वाइज यहां सेलेक्ट कर सकते हो और या फिर अपने वर्क फ्रॉम होम भी आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आप लोग को अगर फ्रीलांसर नहीं करना है उसके बाद अलावा आप लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो, बहुत ही तमाम तरीके के फील्ड्स और एरियाज यहाँ पे दिए हैं, आप किसी में भी यहाँ पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक प्रोफाइल यहाँ पे ओपन किया हुआ है, एक जॉब जो है जियो कस्टमर एसोसिएट फ्रीलांस का। और यहाँ पे देखिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ लेते हैं जल्दी से कि यहाँ पे क्या क्या दिया। अब यहाँ देखिए एक्वायर न्यू कस्टमर्स, आप लोग को जो है बात करनी है कस्टमर से और उनको जो है ये कन्विंस करना है कि आप जो है हमारे जियो का प्लान लीजिए और हमारे नए कस्टमर बन जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को बात करनी है, जियो कस्टमर को अपना रिचार्ज के बारे में बताना है, जियो के रिचार्ज जो आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, उनके बारे में आप लोग को बताना रहता है। और कस्टमर को कोई भी जो है परेशानी होती है, कंप्लेन होता है, रिचार्ज नहीं हो रहा या फिर क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं। और उसके बाद आप लोगों को जो है नए जो है जियो कनेक्शंस भी आप लोगों को कस्टमर्स को लगवाने होते हैं, जैसे जियो का ब्रॉडबैंड भी आते हैं या फिर जियो का वाईफाई होता है, वो सारी चीज़ों का के बारे में आप लोगों को सिर्फ बताना रहता है अपने लैंग्वेज में। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों कस्टमर की कुछ क्वेरी होती है, उन लोगों को रिजोल्यूशन भी आप लोगों को करना होता है, ठीक है। या फिर आपने जो है टेलीफोन पर आप लोगों को दूसरे लाइन पर भी कर देना होता है, अगर आप लोग टेक्निकल से नहीं हो तो टेक्निकल वाले लाइन पर कर देना होता है, सेल्स वाले से जोड़ देना होता है। इस तरीके से आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से रिजोल्यूशन करना होता है कस्टमर का, ठीक है। उसी तरीके देखिए कस्टमर के साथ आप लोग को अच्छा सा बिहेवियर करना होता है, अपना जो टोन है उसको बहुत ही पोलाइट रखना होता है, मैनरफुल वे में बात करनी होती है। तो सारी की चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से बताई गई हैं बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों। और बेफिक्र रहिए, आप लोगों को ट्रेनिंग में वो पूरी चीज़ बता दी जाएगी। एजुकेशन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया 10th आप लोग 10वीं पास हो तो भी आप लोग कर सकते हो, 10+2 है तो वो प्रीफर होगा, तो आप लोग 10वीं पास भी हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर हो, कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर हो। और देखिए आप लोग को बेसिक नॉलेज जो है आप लोग की रीडिंग और राइटिंग की आनी चाहिए, आप लोग
लोग जो है अगर इंग्लिश बोलते हो या फिर हिंदी बोलते हो तो आप लोग लिख भी सकते हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और स्मार्टफोन कैसे यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, खासतौर से जियो को कैसे यूज़ करते हैं, उसका आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। आप लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हो तो उसको अच्छी तरीके से आप लोग को उसको बोलना आना चाहिए, ठीक है। सेल्स और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से बात करना है, लोगों को समझाना है अपनी बातों को, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। लर्न करने की एक आनी चाहिए कि आप लोग को कोई नया चीज़ आ गया, अपडेट आ गया तो उसको आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ एबिलिटी होनी चाहिए। और गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब कि आप लोग जो है ऐसा करना चाहिए कि आपका रिजल्ट जो है, आप लोग जो भी बात करते हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, कस्टमर आपसे खुश हो जाए। तो ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम सिलेक्शन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोस्तों यहाँ पे ओपन किया हुआ है हाउ वी हायर। आप यहाँ पे हाउ वी हायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये सिर्फ तीन स्टेप में आप लोग की यहाँ पे हायरिंग हो जाती है। कैसे होता है, सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपका सबसे पहले आप लोग को पोर्टल पर यहाँ पे जाना है, अपने मन मुताबिक जो वहाँ पे आप लोग का सेक्शन है, जो भी प्रोफाइल है जॉब का, उस पर क्लिक करना है, उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप लोग को एक प्रोफाइल, एक बायोडाटा जो होता है, रिज्यूम होता है, वो यहाँ पे जाके आप लोग को फिल करके अपडेट कर देना होता है, अपलोड कर देना होता है। रिज्यूम कैसे बनाना है, किस तरीके से आप लोग यहाँ क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपका रिज्यूम अपडेट होना चाहिए, आपका हाईलाइट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जितना भी आपने किया 10th पास हो 12th पास हो, उसको हाईलाइट करके लिखो, बोल्ड लेटर में लिखो, और जो जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किया है या फिर कुछ काम किया है वो सारी चीज़ें आप लोग उसमें बता दो, ठीक है। आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पर रिव्यू होता है, उनकी टीम रिव्यू करती है, और उसके बाद जो है आप लोग को एक छोटा सा असेसमेंट होता है, एक असेसमेंट होता है जिसमें आप लोग को नॉर्मल सी आप लोग को एक टेस्ट दिया जाता है, जिसमें कि आप लोग को एनालिटिकल रीजनिंग्स वगैरह होते हैं, इंग्लिश चेक किया जाता है, आप लोगों की टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है, बोलने की चीज़ें, ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों की टेस्ट होती हैं। और उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू यहाँ पे जो है दो राउंड का होता है। दो राउंड में दोस्तों पहला आप लोग से बात करने का तरीका देख लिया जाता है, और दूसरा आप लोग का सीधा कि आप लोग का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब तीसरा जो है दोस्तों सिलेक्शन के पार्ट में आते हैं कि आपने अगर इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सिलेक्शन की बात हो गई, तो सीधा आप लोग को बात करके बता दिया जाता है कि हाँ आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, मेल भी आता है, और उसके बाद आप लोग से ऑफर डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मजे की बात आती है, ऑफर आप लोग को फोन पे डिस्कस किया जाएगा, आप अपना ऑफर बता सकते हैं, मैं इतना चाहता हूँ या उतना दे रहे हैं, और उसके बाद आप लोग को मेल पे भी ऑफर लेटर बकायदा दे दिया जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, और उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी जाती है और आप उस डेट से ज्वाइन कर लेते हो। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसेस, मैंने आप लोग को बता दिया है ए टू जेड का है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब पे क्लिक करके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को देखना है, और कैसे सिलेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है। बस एक चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी इंटरव्यू हो या फिर टेस्ट हो तो आप लोग को अपना जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छी तरीके से सुधार के बोलना है, उसका बिहेवियर, पोलाइटनेस, सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं, और थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो, जो भी एनालिटिकल रीजनिंग्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोग को गूगल में मिल जाएंगी, वो सारी चीज़ें आप लोग कर लो। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपना जो रिज्यूम है उसको अपडेटेड रखो, और उसको अच्छी तरीके से उसको अपडेट करके उसको अपलोड कर दो। तो बस यही कहना था दोस्तों वीडियो में, उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर मार देना, और अगर आप नए आ रहे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।